चैप्टर 9 लेजर, मीनिंग ऑफ लेजर। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड देन दोज मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल and from journal they are posted to the ledger because we classify them. All the accounts put together make a ledger. When we are writing all the accounts in one book, that book is known as ledger. Stating differently, ledger is a book in which various accounts, asset account, liability accounts, capital, revenue and expense accounts are opened and transactions are posted from the journal book. A ledger is also called the book of final entry. Since all the transactions recorded in the books of original entry, that is journal, are transferred posted in the ledger. Ledger is called the book of final entry and journal is called the book of original entry. Originally, सबसे पहले कहाँ record हो रहे? Journal में record हो रहे और journal से कहाँ पर post हो रहे? Ledger में post हो रहे. A ledger may be defined as a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. वहां पर सारे accounts की summary है classified form में. Classified form means purchases, sales, जो भी account है, furniture account है, उससे related सारी entry उसी account में हमने उसे classify कर दिया. जर्नल में वो सब मिक्स होता है. जर्नल में कैश टू सेल्स आ रहा है, फिर कैश परचेजेस टू कैश आ रहा है, फिर फर्नीचर टू कैश आ रहा है, सब मिक्स चल रहा है. पर लेजर में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया. कैसे क्लासिफाई कर दिया? फर्नीचर की सारी एंट्री हमने एक जगह कर दी, कैश की सारी एंट्री हमने एक जगह कर दी, मतलब कि हमने उसे क्लासिफाई कर दिया. मैम, लेजर मतलब हम ये मान सकते हैं जैसे हम जनरल बनाते हैं डेली बेसिस का, जैसे वन वीक का हमने सेट मंडे टू सैटरडे हमारा तो हमने हमारा जनरल बना लिया डेली का. अब संडे को हम उसको लेजर बना रहे हैं, ऐसा होता है या फिर डेली टू डेली लेजर अलग बनता है? प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जैसे जो एंट्रीज आई, जो बिल्स आए हमारे पास, या जो भी हमने एक पेपर पे रिकॉर्डिंग कर ली, या अगर एक मैं स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रही हूँ कि हमने पेपर पे रिकॉर्डिंग करते गए कि ये परचेजेस हुई है, ये सब सेल्स हुई है, और उसके बाद हम उसको सीधा अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सब चीज़ों सीधा पोस्टिंग वहाँ से कर देते हैं. और प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनकी एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा एंट्रीज होंगी कैश की, परचेजेस की और सेल्स की. आप म्यूट कर लो अपने आप को, फिर क्वेश्चन जब पूछना होता तब अनम्यूट कर लो. तो इन सब की हमने टोटली एक अलग बुक बना दी थी. जैसे परचेजेस बुक अलग, उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम 6 डेज तक बनाएंगे जर्नल. फिर मंडे को हम सारी एंट्री लेजर में करेंगे, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है. जनरली नहीं है ऐसा, क्योंकि हमें अपना जनरली क्या उसको हम लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बारी कि जैसे जो डीलिंग चल रही होती है शॉप में, अगर कोई होलसेल बिजनेस है और वहाँ डीलिंग चल रही है, तो डीलिंग वो मान लो उन्होंने 7 बजे तक इवनिंग में डीलिंग करी, उसके बाद वो लेना बंद कर देते हैं, ऑर्डर्स लेना बंद कर देते हैं और ऑर्डर भेजना भी बंद कर देते हैं. उसके बाद का जो 1 आवर होता है, उस 1 आवर में वो अपनी सारी अकाउंटिंग करते हैं और उसको लेमैन की लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि हम अपनी रोकड़ मिला रहे हैं. दैट मीन्स
कितना कैश गया, कितना कैश आया, और अकाउंट्स के बेसिस पर हम उसको चेक कर रहे हैं अपना, फिर कैश काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं वो है या नहीं है उतना ही। तो उसको 1 month के लिए हम डिले नहीं करते, बट डेफिनेटली हाँ अकाउंट्स में काम बहुत होता है। तो हम उसको, ये होता है कि जब हमारे पास वीकेंड है तो वीकेंड पे हम उसकी सारी अकाउंटिंग करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे ट्रांजेक्शंस को। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द साइज एंड स्केल ऑफ द बिजनेस एंड द टाइप ऑफ अकाउंटिंग यू आर फॉलोइंग। और इसमें एक चीज और आती है, एक चीज और आती है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटिंग करना। ये जो हम रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, पर स्मॉल स्केल बिजनेसेस सिंगल एंट्री सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। उसमें वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, मेन ट्रांजेक्शंस जो उनके यूज के, सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, बाकी ट्रांजेक्शंस को नहीं भी रिकॉर्ड करते। ओके, नाउ योर क्वेरी इज क्लियर, क्वेरी हैज बीन सॉल्व। ओके देन मूविंग फॉरवर्ड, आर लेजर मे बी डिफाइंड एज अ बुक विच कंटेन्स, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ यू डिस्कस विद योर फादर, इफ योर फादर इज इन बिजनेस और इफ योर मदर इज इन बिजनेस, that how you are doing accounting in your business, and then you will get to know a lot about practical life. So it is now you have come to 11th class, so you are growing, so you must discuss all these things with your parents, because I also discussed it with my husband that how you people do accounting in your shop, and I got to know how he is doing accounting. A ledger may be defined as a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. It is the most important book of account since the trial balance is drawn from it, and from the trial balance financial statements are prepared. Hence, ledger is also called the principal book of account. Ledger se hi hum trial balance banate hain aur phir trial balance se hum अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ फीचर्स ऑफ लेजर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेजर? लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। मास्टर रिकॉर्ड है जहां पर हमने मेनली सारे मेन अपने रिकॉर्ड रखे हैं अच्छे से। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। Ledger account show the current balance in all the accounts. If I want to know that how much cash is there, what is the balance carried down of cash, what is the balance carried down of furniture, so all the current balances, if I want to know that how much I need to pay to the supplier and how much I need to take from the debtors, this I can see from the ledger accounts. For example, Mr. A has to pay me some money. So I will open the account of Mr. A and I will just find out how much amount is due from his side, how much amount he needs to pay to me. So ledger accounts are showing me the balances. I can easily relate it to the story which we discussed in our first class, that if we are doing a business and we don't know how much money we need to take from the customers and how much money we need to give to the suppliers, we will be in a messed up situation. We will go crazy about this, that it will be a headache that मुझे पता ही नहीं है मुझे किसके कितने पैसे देने और किससे कितने पैसे लेने। ओके, फोर्थ पॉइंट इज trial balance and final accounts are prepared from ledger accounts. Ledger accounts summarize the effect of transactions upon assets, liabilities, capital, incomes and expenditures. उनका क्या क्या है, transactions का क्या effect है asset पर, liabilities पर। Now coming to the utility of a ledger, that why a ledger is important, what is the use of making a ledger?
प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मच कैश आई हैव. So I will just open the cash account and I will get to know that how much cash I have. If I'm interested in my bank account or any debtor's account or creditor's account, I will open that particular account and I will get to know that information. Right? Point two. Information of incomes and expenses. It gives us information about what I have earned and what are my expenses in the business, because different accounts are there. In ledger, a separate account is maintained for each income and expense. The amount of total income and total expenses is known from the ledger account. I will just go to the sales book and I will find out sales account and I will find out how much is the money I am earning from the sales. Preparation of trial balance. Ledger helps us in preparing the trial balance, because what is a trial balance? The format of the trial balance is serial number, name of the account, debit balances and credit balances. Like assets and expenses have debit balances, so I will be writing all the balances over there in the debit column. And capital, revenues and liabilities, they have credit balances. I will be writing their amounts in the credit column and then I will total it and the total must come equal. And from trial balance, I will make the final accounts. This is our entire accounting process. It starts from journal. Then from journal, we go to the ledger. From ledger, we make the trial balance and then we make the final accounts. Helpful in preparing final accounts. So, ledger also helps us in making the final accounts. Format of ledger account. This is very important. Format of ledger account. This is how we make the ledger account, name of the account. For example, wages account. Then this side and this side must be equal always. You cannot make that this side is a little smaller and this side larger. You cannot do this way. Then we write debit here, credit here, date column. The date of the transaction comes over here. For example, if we have the transaction, paid wages in cash 1000 rupees, date is January 1. So we will be writing over here January 1 and year we will be writing on the top. Name of the other account, here we will be writing to cash account 1000 rupees, and journal folio is the page number from where the entry is coming. For example, wages account debited to cash account. This is written in the journal on page number 5. Then here we can write 5, page number 5. This entry is coming from page number 5 of the journal. Then same format, same things will be repeated here. Date, particulars, journal, folio, amount. This is the credit side, this entire side, and this is the debit side. Clear about the format? Now posting the entries.